कश्मीरी आती है, नहीं पहुंचे आप, कहिए कश्मीर कहेंगे कश्मीरी आती है। अब जो लोग हाथ बांध के बैठे नहीं पहुंचे और नहीं बोले, उन्हें मैं पहुंचा देता हूं। साहब ना अंग्रेजी आती थी, ना उर्दू आती थी, ना फारसी आती थी, ना अरबी आती थी, और दावा कर रहे थे अल्लाह की आखिरी हुज्जत होने का। हमारे इमाम की सबसे छोटी सी पहचान यह है, उससे जिस जबान में बात करो उस जबान में जवाब देगा। शिकारपुर के, वो आपके हवाले करूंगा, उसके बाद ये बैरूनी शोरा होंगे। नतीजा भी आया नहीं है, मैं जहां तक ले जा रहा था, कहने फारसी नहीं आती, इन्हें अरबी नहीं आती, कहने आता क्या है, कहने कश्मीरी आती है। कहा साहब वो कुछ गरीब को नहीं आती, कहा कश्मीरी आती है, कहा ये कश्मीर के है, कहा वो कुछ गरीब को नहीं आती। उन्होंने आखिर में लिखा कि मैं ये वाकया इसलिए तहरीर कर रहा हूं ताकि शिकारपुर में करदास करबलाई पहुंचाएं शिकारपुर वालों तक ये जुमला। उन्होंने जो जुमला लिखा है कयामत खेज है, तमहीन का खेमा खत्म हुआ, नतीजा दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं ये वाकया इसलिए लिख रहा हूं कि ना उन्हें अरबी आती थी, ना उर्दू आती थी, ना फारसी आती थी, और जो उन्हें आता था वो मुझे नहीं आता था। हुआ ये कि कुछ देर वो मुझे देखते रहे, मैं उन्हें देखता रहा, कुछ देर के बाद वो अपने घर चले गए, मैं अपने घर में बैठा रहा। मैं ये वाकया इसलिए तहरीर कर रहा हूं ताकि दुनिया पहचाने कि ये नकलियों का बार बार निकल के आना इस बात की दलील है कि कोई असली है जो पर्दे में बैठा। दलील है कि कोई असली है जो पर्दे में बैठा हुआ। साहब हमेशा नकल असल की बनाई जाती है, हम जिनकी असल में ही कीड़े पड़े हो वो किसी की नकल क्या बनाएंगे। आज हमारे यहां जो नकल बनाई जाती है ये हमारे घर की रस्में नहीं है, ये तारीखी हैसियत है कि सबसे पहली शबी रसूल ने अपनी बनाई शबे हिजरा। शिकारपुर बड़ा जुमला मैंने आपके हवाले किया, पूरी तारीख समय के आपके हवाले किए, ज्यादा बोलने का आदी नहीं हो। सबसे पहली शबी शबे हिजरत रसूल ने अपनी बनाई और अपने बिस्तर पे अली को लिटाया, रात भर तलवारें खींची हुई थी लेकिन किसी को पता न चला रसूल सो रहे हैं या मसीह रसूल सो रहा। हमेशा नकल असल की बनाई जाती है। और आज इमाम आसम की आमद आमद की तारीख है, पटाखे छुड़ाए गए कि नहीं है, छुड़ाए गए ना। और आज की रात तो बच्चों से कहिए कि पटाखे भी छुड़ा रहे, और अनार अनार आता है ना, वो हमारे यहाँ पूरब में है, अनार अनार जलाया जाता है। अच्छा वो भी साथ देखिए, ये हमारे यहाँ की कोई रस्म है खिलाफे वाकया नहीं होती, अनार जलाना और अनार पे नजर दिलाना इसका भी तारीखी बैकग्राउंड है। का दो क्या, का दो अनार तारीख के दामन में है, एक पे फला 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 के नाम लिखे थे, एक पे पंचतन के नाम लिखे थे, दरबार में हाजिर किए गए तो जिस पे धरुदर के नाम लिखे थे जब उसे काटा गया तो उसमें कीड़े पड़े थे, बदबू आ रही थी, और जिसमें पंचतन के नाम लिखे थे जब उसे काटा गया तो उसकी रंगत में चार चार लग गए थे। ने उस तारीख को दोहराया और कयामत तक दोहराते रहेंगे कि जिस अनार पे दुश्मनान अहले बैत के नाम लिखे थे उसे शबे बारात जला देते हैं और जिस पे पंचतन के नाम थे उन पे नजर दिला देते हैं। देखिए हमारे बच्चे उस कयामत से पहले जो आज की रात कयामत लाते हैं उस कयामत का जवाब नहीं है, हाँ अच्छे अच्छे कर जाते हैं। और पुरानी चीजें तो आपको याद है ना, यही का तो वाकया है, वो रॉकेट चला और नीचे गिरा, उसके बाद जो है क्या हुआ हमारे बुजुर्ग जानते होंगे, माशाल्लाह यहाँ शुरा आए हैं माशाल्लाह, उसके बाद लिबास बदलना पड़ा, दूसरा लिबास पहनना पड़ा। देखिए बड़ी पुरानी बात मैं यहाँ पे कर रहा, देखिए कहा
अपने पास पहुंच रही है और आए। अच्छा देखिए, जख्मी जख्मी नहीं हुए, अजीब सी बात कह के गुजर गया, जख्मी जख्मी नहीं हुए। और कैसे जख्मी हो? इसलिए कि जिक्रा हिदायत करने गए थे, मैं दो बदले आप तक पहुंचाता हूं। सुल्तान मदारिस लखनऊ मिसरा हुआ, 19 शाबान को जश्न है और बड़ा आलीशान जश्न होता, वहां मिसरा हुआ, आप आ जाए तो पानी पे जमात हो जाए। मिसरा हुआ, आप आ जाए तो पानी पर जमात हो जाए। देखिए, दो मतले पढ़ूंगा, मुझे पता चले कि मैं शिकार बोल रहा हूं। एक बन दो बन पढ़ के मैं पूरा देवबंद पढ़ने वालों में से नहीं हूं, सिर्फ दो बातें हो जाए शायद आपके हवाले, इसलिए कि समा खराची का कायल नहीं। एक मतला शकील उतरौली का और एक मतला साहब नासिर जबली साहब का, कि जिसमें महफिल खत्म हो गई थी। पहला मतला सुनिए, तकसुल है इसमें और अजीब कैफियत है, अलामती मतला। वो फरमाते हैं कि दिल वही, शकील उतरौली, दिल वही दिल है जिसे आपसे उल्फत हो जाए। इसका दूसरा लगा दिया है, आप सुने दिल से जान तक पहुंचे। शकील उतरौली शोभा अदब का मोहतरम नाम आपके हवाले, क्या दिल वही दिल है जिसे आपसे उल्फत हो जाए, जान वो जान है जो सर पे मोहब्बत हो जाए। शिकारपुर में मैं मिसरे पढ़ रहा हूं और आपको आवाज रखे, क्या दिल वही दिल है। यूट्यूब उठा के देखिए, हर जगह ऐसे मिसरे इंतखाब नहीं होते, कि दिल वही दिल है जिसे आपसे उल्फत हो जाए, जान वो जान है जो सर पे मोहब्बत हो जाए। नासिर जरवली ने जब मतला पढ़ा, महफिल खत्म हो गई थी। अब वो मतला सुनिए, कि दिल वही दिल है जिसे आपसे उल्फत हो जाए, जान वो जान है जो सर पे मोहब्बत हो जाए। नासिर जरवली ने पूरी महफिल का सेहरा अपने सर बांधा इस एक बंदे से। वो फरमाते हैं कि जश्न में तस्किराए हजरते हुज्जत हो जाए। का मिसरा रख दिया और आपको सलामत रखे, जो अब तक नहीं बोले हैं वो इस मिसरे पे बोल लें कि चश्मे तस्किराए हजरते हुज्जत हो जाए, 14 कुरानों की एक साथ तिलावत हो जाए। तस्किराए हजरते हुज्जत हो जाए, की एक साथ तिलावत हो जाए। आइए हजरात, अब चूंकि मुझे 2021 की डायरी खोलनी ना, 2000 अब क्या करूं, पुराने शेर मुझे याद नहीं रह जाते, वरना पुराने शेर मैं आपको सुनाता, इसलिए कि रटी रटाई निजामत निजामत नहीं होती। खिताबत का ताल्लुक जैसे बताहत से है, वैसे ही निजामत का ताल्लुक बताहत से है। हमारे यहाँ पे बैठे हुए बुजुर्गान, वरना ये कहेंगे भाई वो पुराना आपने कलाम पढ़ दिया था। मैं बड़ी अदब और एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम सालिम हुसैन साहब की खिदमत में, सालिम हुसैन साहब आए और अपना कलाम पेश करें। देखिए, इनको बुलाने से पहले फिर आज शिकारपुर में एक बात कह रहा हूं, मकामी और बैरूनी मेयार नहीं होता, कलाम किस मेयार का है उस मेयार की दाद होनी चाहिए। बाबा साहब बलंद नारा है सरबत सिंह का, खैर बात ना करो। मौला अब्बास के हवाले से चंद बन समाज समझिएगा, बतौर खास दास्ताने शुजात कदारेन में, दास्ताने शुजात कदारेन में, एक बेमिसल किरदार अब्बास है। दास्ताने शुजात कदर, दास्ताने शुजात कदारेन में, एक बेमिसल किरदार अब्बास है। है अली के 18 ही बेटे अली, वाह वाह वाह, है अली के